हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021। अब अगला चरण क्या है अपना? तो अगला चरण है पीईटी पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा मार्क्स लिए हैं, लेकिन हाइट प्रॉब्लम हो रही है। 168 ही हाइट हो रहा है या बहनों का 154 ही हो रहा है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी है, तो वो क्या काम आएगा? कोई काम नहीं आएगा। 170 चाहिए पूरा, तो 170 ही चाहिए। आपके यहाँ प्रॉपर 170 हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब हो जाता है, उसके बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कितना रनिंग करना है, रनिंग नहीं हो रहा, सांस फूलता है। देखिए, सभी का सांस फूलता है, रनिंग जब भी करते हैं तो, चाहे मैं भी करता हूं तो भी सांस फूलेगा। एक से एक जो एथलीट है उनका भी फूलेगा, सांस तो फूलेगा, और उस पर काबू करना है आपको। यहां से मजबूत होना पड़ेगा तब वो 5 किलोमीटर क्वालिफाई हो पाएगा। ऐसे नहीं है कि 5 किलोमीटर अभी 2 राउंड किए और उसके बाद रुक गए। मैं देखता हूं मॉर्निंग में काफी कैंडिडेट्स एसएससी जीडी क्वालिफाई हो चुके हैं, रनिंग करते हैं वो, लेकिन क्या पता है कि 1 राउंड किया, 2 राउंड किए, उसके बाद में फिर बैठ जाते हैं, मोबाइल चला लेते हैं। तो एक तो पहली चीज तो देखिए, आप गाना सुन के दौड़ते हैं उसको हटा दो। गाना सुनते हुए नहीं दौड़ना, दौड़ते हुए सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि मुझे क्वालिफाई करना है हर हाल में मुझे क्वालिफाई। अब जिनका हाइट नहीं होता उनका तो देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप रनिंग में आप आउट हो जाते हैं, ये आपकी कमी है कि मेरा सांस 2 किलोमीटर में मेरा सांस फूल रहा है तो कोई बात नहीं, अब उसको काबू आप कर सकते हैं। मुझे क्या खाना चाहिए, जो आपको मिल रहा है वो खाना चाहिए। आपको एथलीट नहीं बनना, आपको सिर्फ 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है, 24 मिनट में पास होना है आपको, या 1600 की करनी है, 8.5 मिनट में आपको पास होना है। मेरा वेट अभी 80 kg है, 65 चाहिए, तो पहले तो अपना वेट करो काम। और वेट का जो पॉइंट है कि वेट में आपको आउट नहीं करेंगे, बता देता हूं, वेट में आपको कॉशन किया जाएगा। अब ये है कि मुझे दौड़ कैसे करनी चाहिए, तो दौड़ करने का देखिए जनरली क्या होता है कि जो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है वो लॉन्ग रन होता है। इस तरीके से आके 5 किलोमीटर पूरा कर दिया कि फौजी कैंपस जो होते हैं वहां पर इस तरीके से जो रोड रन होता है, जनरली रोड रन ही होता है। अब आप कच्चे ट्रैक पर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, आपको वहां रोड पे रन करने का मौका मिला, अब यहां डायरेक्ट नहीं आ सकते, उसके लिए फौज खड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि यहां से डायरेक्ट चले गए या यहां से डायरेक्ट चले गए, उसके लिए ध्यान रखने वाले लोग खड़े हैं, पे ड्यूटी लगी हुई है कि ट्रैक एनसीओ ड्यूटी लगी हुई है उसकी। तो कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या मुझे ये लंबा करना चाहिए, या अब 5 किलोमीटर आपको करना है तो देखिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि आप 5 किलोमीटर के लिए अभी यदि आप फ्रेशर हैं, आज तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो पहले कंटिन्यू 30 मिनट तक आप दौड़ने की प्रैक्टिस करें। पहले दिन से ही डिस्टेंस ना देखें, यदि पहले दिन से ही 5 किलोमीटर देखना शुरू कर दिया तो आप नहीं दौड़ पाएंगे। पहले जो है वो 15 मिनट तक कंटिन्यू दौड़ने की कोशिश करें, चाहे बिल्कुल मरी हुई चाल से दौड़ें, वॉक वो जिसको कहते हैं कि जॉग करें, लेकिन 15 मिनट फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनके लिए। अब आप क्या है कि पहले दिन से ही आपने टाइमर लगाया और पहले दिन से ही टाइमर से आप 2 दिन क्या होगा कि 2 दिन में तो नहीं दौड़ पाएगी। रनिंग कब आएगी, नेक्स्ट मंथ आपकी रनिंग जो है वो बिल्कुल आ सकती है, अभी सब पूरी तरीके से तैयारियां हो रही हैं। आपको ये समझिए कि आज से अपन देखते हैं तो स्टार्ट होने में मुश्किल से महीना भी नहीं है। तो दौड़, आप अभी फ्रेशर कैंडिडेट हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है करना कि दौड़ नहीं हो रही इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको, मैं सीजीएल कर लूंगा। आप कोर्स में जाना चाहते हैं तो दौड़ करनी ही होगी, चाहे सीपीओ एसआई हो या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो या आर्मी जीडी रैली हो, रनिंग जो है वो तो इंपॉर्टेंट है। रनिंग यानी मेंटल टफनेस चेक होता है। रनिंग क्यों होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल टफनेस, दौड़ यहां से होगी, दौड़ शरीर की ताकत से नहीं। ये सोच दिया कि मुझे करना है तो दौड़,
और ये सोच लिया कि मैं इसको तो छोड़ देता हूँ, मेरे से दौड़ नहीं हो रही है, मैं सीजीएल कर लूंगा, मैं एमटीएस कर लूंगा, मैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी वाला होता है वो कर लूंगा, मैं दूसरा कोई सिविल जॉब कर लूंगा, वो आपके ऊपर है। दौड़ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, अभी कंटिन्यू 30 मिनट, और बहनों के लिए मैंने बताया 15 मिनट एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें। और खाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्यादा, जो आप रूटीन खा रहे हैं वो बिल्कुल खाते रहें, उससे ही हो जाएगा। इतना कोई भारी काम नहीं है कि मुझे डाइट क्या खाना चाहिए, मुझे मेरा सांस फूल रहा है, सांस तो दौड़ करेंगे तो रिक्शा चलाने वाला जो है उसका, वो रिक्शा चलाता है तो उसका सांस फूलता है, लेकिन उसको पता है कि मुझे ये जो सवारी जो है या जो सामान है इसको मुझे बिल्कुल डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, वो अपनी सांस पे फोकस नहीं कर रहा, वो फोकस कर रहा है कि जो सामान पहुंचाने के बाद या सवारी पहुंचाने के बाद उसको जो पैसा मिलेगा उस पर फोकस कर रहा है। तो आप भी अपना ध्यान वहां फोकस कीजिए, कहां उस यूनिफॉर्म पर फोकस कीजिए, ये सब हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, 10 दिन में बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और दूसरी बात फिर कहता हूं, रनिंग में डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाना। जय हिंद।